हेलो तो सही है। तुम दोनों उठाओ। ओ आसिफ भाई, आसिफ भाई क्या हो गया? ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। ये देखो जरा, देखो जरा आसिफ भाई। कबूतर फिर आसिफ गिर जाते। उठाओ भाई, खड़ा तो करो एक बार। ऐसे कर रहे हो, उठेंगे तो हुआ भी तो तुम लोगों की वजह से ये सारा। उठाओ। मैंने तो आप लोग कितना अच्छा कबूतर ला के दिया। अच्छा कबूतर लाके दिया तो चोरी का लाके दिया था ना, हम खुद कबूतर ले लेते। कबूतर आ गए। कोई भी नहीं आया आज से, वो लोग तो चले गए। अब मुझे लगता है कि शायद आर्य भाई को बुलाना पड़ेगा। आर्य भाई किसी डॉक्टर को लाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ताकि और हम उन लोगों को छोड़ेंगे, उन लोगों की वजह से उन्होंने इतना मारा है कि आसिफ का ये हाल हो गया। और पीछे रीजन तुम दोनों। मुझे कबूतर ही उड़ा देंगे। फिर उड़ा देंगे, फिर एक और काम करेंगे। इधर आओ, तुम लोगों की वजह से ये सब हुआ है। आसिफ देखो तो लगता है आसिफ की याददाश्त चली गई है। आसिफ को आसिफ के कबूतर तोते वगैरह दिखाने चाहिए ताकि आसिफ को याद है। तोते लाओ इधर। ये आसिफ कबूतर डर गए, ये डर गए। पीछे चल। देखो जरा आसिफ का क्या हाल हो गया, वो अपनी बातें ही भूल गया सारी। आसिफ वो देखो आपके कॉकटेल धोते। कबूतर है कबूतर नहीं आपके तोते कॉकटेल तोते। ये देखो टफी निकाल दे। एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। आसिफ कहाँ है? कबूतर है, कबूतर तो है ही नहीं आपके हाथ में। दे दिया उनको। वो तो ले गए अपना कबूतर, ले गए अपना कबूतर। देखो सर, ये सब तुम्हारी वजह से, ये सब तुम्हारी वजह से। अब मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों। कौन है ये लोग? ये बाजरा क्यों खा रहे हो? बाजरा है ये, बाजरा है। नहीं मैं तो तंग आ गई हूँ।
होगी मुझे नहीं पता, अब तुम लोग ही जाके किसी डॉक्टर को लेकर आना ताकि आसिफ को दिखाए। कल से रात से वो ऐसी है, देखो जरा। ले आएंगे रात। ना तुम ऐसा करते हो ना ऐसा होगा, अब देखो जरा उसके चक्कर ही नहीं खाता वो। चक्कर ही नहीं खाता वो। तंग आ गई हूँ मैं। ऐसी तुम लोग ने कबूतर छोड़ी। कबूतर आ जाएंगे कबूतर। हाँ मैं कबूतर, मैंने कबूतर। कबूतर गया उनको दे दिया कबूतर। दे दिया। फिर चक्कर खाने लग जाते। तो फ्रेंड्स हम तो तंग आ गए आसिफ के इन चक्करों से कि कबूतर तो हमारे लिए अजाब बन गए हैं कि ना ये चोरी करते और ना ऐसा होता। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। तो कल मिलते हैं नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। आसिफ के किसी डॉक्टर का हम अरेंज करते हैं ताकि जो आसिफ की याददाश्त हो गई है, आसिफ को कबूतर ही याद आ रहा है, तो ताकि आसिफ डॉक्टर को बुलाए और डॉक्टर आसिफ को ठीक करे और आसिफ की याददाश्त वापस आए। क्या हो गया आपके तो चक्कर ही नहीं खत्म हो रहे। मैं उन लोगों पे पुलिस केस कर दूंगी, उनकी वजह से ही उन्होंने आसिफ को इतना बुरा मारा। नहीं हम फंस जाएंगे फिर तो। हाँ ये बात भी, अगर हम पुलिस केस करेंगे तो सबसे पहले तो हम फंसेंगे। तो फिर अब क्या करें, आसिफ की हालत देखो। पुलिस में तो अब हम नहीं जा सकते क्योंकि बाकी में ये दोनों फंसे। ऐसा मत करो मेरी जान। किसी डॉक्टर को ही बुलाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। आसिफ की हालत देखे जरा, ये आसिफ की हालत देखे जरा। आसिफ को इतना सदमा लगा, इन्होंने आसिफ की इज्जत की क्या कर दी है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इज्जत ही की छोड़ी आसिफ की। ये हमारी CID है, इसको हम लोग ने रखा था कि ये हमारे हमें अच्छी बुरे लोगों से बचाएंगे, तो खुद ही चोरियां कर 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 आते। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो ओके बाय।